वेलकम बैक बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल में। आज सुपौल सब स्टेशन के बारे में बताएंगे, कैसे लाइन को ऑपरेट किया जाता है और किन किन डिवाइस को लगाया जाता है लाइट को प्रोटेक्शन के लिए। और जितना भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और एक एक डिवाइस का क्या प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करेंगे हम तीनों मिलके। और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं हमारे फ्रेंड जितने भी हैं, नीरज, वंदना है, जो कि वंदना आज एक्सप्लेन करेंगे पूरा जितने भी डिवाइसेस है उसके बारे में, और स्टेप बाय स्टेप हम तीनों मिलके करेंगे। आप जैसे कि पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है यहाँ का सब स्टेशन के कंट्रोल रूम, जो कि अंदर से कंट्रोल करने के लिए उसे बनाया गया है। सो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं इनकमिंग वहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारा 33 के भी लाइन है जो हमारा GSS से आया है, GSS सुपौल, ग्रिड सब स्टेशन सुपौल से आया है। ये हमारे PSS में यहाँ पे एंट्री किया है 33 के भी। एंट्री के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक गैंट्रिंग पोल लगाते हैं, जो ये है आप देख रहे हैं, हमारा एक आयरन का बना होता है। ये मेनली वायर को कनेक्ट कर किया जाता है। हम सबसे पहले सब स्टेशन में सबसे पहले प्रोटेक्शन को देखते हैं, इसीलिए इसको सबसे पहले इसके प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया गया है। आप देख रहे हैं ये तीनों ऊपर लगा हुआ है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है वो वाला जी। और ये जो वायर है जो गैंट्रिंग पोल से कनेक्ट हुआ है, वो है जो इंसुलेटर से कनेक्ट करके पोल से कनेक्ट किया, क्योंकि डायरेक्ट हम वायर को पोल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम उस वायर को पोल से कनेक्ट करेंगे तो उसका जो करेंट है वो हमारे पोल में आएगा, हम लोग को टच होने से करेंट लग सकता है। उसके बाद देख रहे हैं आप ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है, इसको ग्राउंड किया गया है कि अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आए, सर्ज उत्पन्न हो जाए वायर में कहीं, या फिर लाइटनिंग गिर जाए कहीं से भी, तो उसको वो ग्राउंड कर दे ताकि हमारा पूरा सिस्टम जो है बचा रहे, प्रोटेक्शन में रहे। उसके बाद आप देख रहे हैं ये गैंट्रिंग पोल के पास ही हमारा लगा हुआ है CTPT मीटरिंग यूनिट। ये CTPT मीटरिंग एक तरह सा एक करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कॉम्बिनेशन है। ये जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम इसको छुएंगे तो करंट लगेगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को यहाँ ग्राउंड किया जाता है ताकि बॉडी को टच करने से हमें ये करंट ना लगे। ये जो है हमारा करंट को भी मेजर करता है और वोल्टेज को भी मेजर करता है। ये एक तरह का डिवाइस है जो मीटरिंग मतलब मीटर करता है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करेंट आ रहा है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटर, या इसको डिसकनेक्टिंग स्विच भी बोल सकते हैं। ऊपर में जो ये स्विच है उसको बोला जाता है मेल फीमेल स्विच। आइए कौन है इसमें बताइए तो। एक साइड मेल होता है, एक साइड फीमेल होता है जी। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं आइसोलेटर, या इसको डिसकनेक्टिंग स्विच ही बोलते हैं। इसको हम या तो पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसमें स्विच दिया जाता है जिससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, उसकी ओर ले चलते हैं। ये है हमारा आइसोलेटर का स्विच, इसी से हम आइसोलेटर को स्विच को डिसकनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका मेन वर्क होता है आइसोलेटर का मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना। आइसोलेट में दो सर्किट का कॉम्बिनेशन है, एक को अलग कर देना दूसरे सर्किट से। इसका मेन पर्पस है आइसोलेट करना, सर्किट को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। उसके बाद हम चलते हैं, ये है हमारा करेंट ट्रांसफार्मर CT, जो आप देख रहे हैं। ये वैसे तो हम मेजर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का भी यूज करते हैं, बट यहाँ एक हाई अमाउंट में यहाँ वोल्टेज और करंट आता है, तो उसके लिए हम एमीटर का यूज कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का, जिसको शॉर्ट नेम हम CT बोल सकते हैं। इसका मेनली दो वर्क होता है, एक तो ये करंट को मेजर करता है, हाई करंट को मेजर करता है, और ये हमारे पूरे सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। अगर एक्स्ट्रा करंट आ जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट हमारे इस पूरे सिस्टम में आ जाए, तो उसको ये आगे जाने ही नहीं देता, रोक देता है, यहीं पे रोक देता है। ये है हमारा VCB, करंट। हम अब करंट मेजर कर लें, अब करंट मेजर करने के बाद हमको और भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब स्टेशन है, एक प्रोटेक्शन ये वर्क नहीं किया। अगर CT हमारा एक्स्ट्रा करंट आया, अगर वो वर्क नहीं किया, बाई मिस्टेक हमारा पूरा सिस्टम जल सकता है, इसीलिए हम VCB का यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए ही। इसका मेन वर्क है कि इसमें भी अगर हाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट आ जाए, तो ये ना ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है VCB। इसमें एक बॉटल होता है जिसमें वैक्यूम होता है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आता है तो वो ब्रेक कर जाता है।
और ये मतलब सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है पूरी तरह से। उसके बाद हम चलते हैं, ये है हमारा, फिर से आइसोलेटर के पास आ गए। आइसोलेटर तो हम पहले यूज किए थे सिट्टी पिटी मिट्टी यूनिंग के बाद, अब VCV के बाद फिर हम आइसोलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी फॉल्ट आ जाए हमारा इधर, या इधर रिपेयर करने का ज़रूरत पड़ जाए तो हम यहाँ से सीधे लाइट को काट सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम इधर वर्क कर सकते हैं, या फिर इधर ही कोई वर्क चल रहा है तो इसको हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, ये हमारा बस बार है जो आइसोलेटर से कनेक्ट है। बस बार का यही है, ये जो तीन गो रड टाइप का दिख रहा है ये हमारा बस बार है। बस बार का यूज मेनली किया जाता है मोर देन वन फीडर के कनेक्शन के लिए। अगर एक कनेक्शन, अगर एक ही फीडर हमको देना है तो उसके लिए हम बिना विदाउट बस बार का यूज कर सकते हैं कनेक्शन, बट एक से अगर ज़्यादा फीडर का यूज करना है, हमको एक से ज़्यादा कनेक्शन करना है, उसके लिए हम बस बार का यूज करते हैं। बस बार ऐसे ही नहीं लगाया जाता, इसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए पहले तो अब हम करेंट मेजर कर लिए, प्रोटेक्शन भी देख लिए, हमको वोल्टेज भी तो मेजर करना है क्योंकि हाई वोल्टेज यहाँ से आता है। इसके लिए हम PT का यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म, जो आप लोग ये देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को मेजर करता है और इसका कोई काम नहीं है। इसमें एक ही कनेक्शन होता है, इनपुट ही होता है, आउटपुट नहीं होता है इसमें। उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, हो सकता है बस बार पे गिर जाए तो हमारा पूरा कनेक्शन जल सकता है, ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम ये LA का यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। बस बार का यूज आप लोग जान गए हैं, देख रहे हैं कि ये है 5। देखिए, जैसे कि आप लोग वंदना जी बताएं कि इधर सिटी और बस बार लगा हुआ है, तो इसके बाद हम इधर की जानकारी आपको देते चलेंगे। ये भी आइसोलेटर एज ए डिवाइस की तरह, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है ना, हर जगह प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाता है। तो ये आपका हो गया आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद ये लगा है VCB, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। उसके बाद आपको ले चलते हैं नेक्स्ट है सिटी। तो सिटी का भी तो उसका मतलब होता है कि करंट को मेजर करना, करंट मेजर पूछना चाहते हैं ये क्या है। ये जंक्शन बोर्ड है, जंक्शन बोर्ड का काम होता है कि टू और मोर वायर को या कनेक्शन को एक जगह एक पॉइंट पर कनेक्ट करना। एंड देन अगला नेक्स्ट है सिटी को कनेक्ट करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। तो पावर ट्रांसफार्मर का लिखा हुआ है ये देखिए 10 MVA। तो ये है कि 33 किलो वोल्ट को हम 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कन्वर्ट कर देने के बाद हम ले चलते हैं आगे किस तरह ये 11 KV कन्वर्ट हुआ है, फीडर के तरह कहाँ तक पहुँचा, कौन कौन फीडर में लाइन सप्लाई करते हैं, और हम कंट्रोल पैनल से किस प्रकार हम कंट्रोल करते हैं, देन आपको आगे ले चलेंगे और इजिली समझाते चलेंगे। तो ये रहा यहाँ से आपको पावर ट्रांसफार्मर से आगे आपका कनेक्शन सिटी में। तो सिटी तो समझ ही गए होंगे कि ये करंट को मेजर करता है। देन आगे आपको ले चलेंगे ये सर्किट ब्रेकर। तो मतलब हर जगह आपको जो सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, प्रोटेक्शन चाहिए हर जगह इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर की देखिए, अगर इस वीडियो में अगर पूरा हम पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे तो प्रॉपर ये जो वीडियो है ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी, इसका डिस्क्राइब करके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशली सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में हम बातचीत करेंगे। सो अभी आप देख रहे होंगे ये जो है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर वहाँ पर दो बार जिक्र हो चुका है। ये सिटी है जिसको हम शॉर्ट में सिटी ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और सिटी का जो बता दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए और करंट को जो मेजर करने के लिए लगाया जाता है। देखिए सब स्टेशन का सबसे बड़ा फंडा ये है, हर एक जगह पर आप देख रहे होंगे लाइटिंग अरेस्टर CT PT जितने भी हमेशा लगाया जाता है। देखिए करेंट के यहाँ सबसे बड़ा ये होता है कि एक्स्ट्रा भी करंट आएगा या कोई इरर हुआ, हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया जाता है। उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे ये जो है, इसके बाद ये VCB जो कि VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसमें आप वहाँ भी देखेंगे इस पर डिस्क्राइब कर दिया गया है क्यों लगा है। उसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे आइसोलेटर, ये जो है आइसोलेटर, इसमें ये जो आप हैंडल देख पा रहे हैं आइसोलेटर का, वहाँ पर है एक्सीलेटर का अगर बोला जाए तो एज ए स्विच की तरह हम काम करते हैं। अगर कोई भी इरर आ गया है इधर तो हम यहाँ से जो हैंडल आप देख पा रहे होंगे, जो हैंडल आप देख पा रहे होंगे इसको नीचा करने के बाद खींचेंगे, वहाँ पर जो है
मेल और फीमेल दो पर स्विच है जो वहाँ से आउट कनेक्शन जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको जो है एज ए स्विच की तरह हम काम करते हैं। उसके बाद आप फिर से देख पा रहे होंगे ये बस बार है, फिर से आप देख पा, देखिए बस बार को एक बार फिर से देखिएगा बस बार कैसा दिखता है। देखिए बस बार का मतलब बाँस, बाँस देख रहे हैं, बाँस तरह है ना, लकड़ी की तरह है, इसे ये इसको कहते हैं बस बार। बस बार का मतलब ये होता है जैसे कि आप कहीं कनेक्शन ले रहे हैं तो बस बार में इजी से कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर भी है उधर भी है वहाँ भी बस बार है। बस बार से मतलब एक से ज़्यादा कनेक्शन होने के लिए बस बार हम लगा देते हैं, इसका मेन रीज़न यही है। जैसे कि अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे बस बार से कनेक्ट है पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं लाइटिंग अरेस्टर देख पा रहे हैं अभी तक में चार बार यूज़ किया गया, मतलब इस एरिया में अगर बिजली का जो आप बोलते हैं बिजली जो लाइट ऊपर से आएगा तो उससे प्रोटेक्शन देता है। लाइटिंग अरेस्टर का वही काम है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आएगा उसको ग्राउंड करके ज़ीरो करेगा, इसीलिए हर एक जगह पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे ये है फिर से आइसोलेटर है, फिर से मतलब आइसोलेटर वही फिर प्रोटेक्शन को नज़र देखते हुए आइसोलेटर के लगाया गया। अगर इधर कोई भी इधर आ रहा तो यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते इधर का लाइन, मतलब कोई भी अगर रिपेयर करनी हो तो इसको हम काट सकते। कि आप लोग ने देखे संतोष जी ने ये बताया कि ये आइसोलेटर बस बार है, बस बार से कनेक्ट है आइसोलेटर, आइसोलेटर का स्विच है। उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं, ये है हमारा फीडर्स, यहाँ से सात फीडर्स निकला है। मेनली अभी सिक्स ही वर्क कर रहा है बट यहाँ से सात फीडर निकला है। आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ लाइट जाती है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये है हमारा टाउन 211 के भी ये आउटपुट है हमारा, यहाँ से आउटपुट 11 के भी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये है टाउन 2 का फीडर्स, यहाँ से टाउन 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं इस पावर सब स्टेशन से हम कितने फीडर को लाइन देते हैं। मेनली सात फीडर्स को हम लाइन देते थे बट एक फीडर सब बीना में एक इंडोर बन चुका है, इसलिए वहाँ का लाइन यहाँ से नहीं जाता है, इसलिए यहाँ मेनली अब सिक्स ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम यहाँ से। आइए आपको दूसरा दिखाते, दूसरा फीडर्स ये है कलेक्ट्रेट 11 के भी, यहाँ से कलेक्ट्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कलेक्ट्रेट का फीडर्स है। उसके बाद आगे चलते हैं हम आपको दिखाते हैं, ये रहा 11 के भी टाउन 1, ये सुपौल का टाउन 1 का 11 के भी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से हम टाउन 1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11 के भी। उसके बाद फोर्थ नंबर फीडर पे हम चलते हैं, अभी तक में हम आपको तीन फीडर्स के बारे में बताए हैं, यहाँ बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है ये बस बिट्टी 11 के भी बस बिट्टी, यहाँ से हम बस बिट्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फोर्थ नंबर फीडर्स। उसके बाद हम आगे ले चलते हैं आपको, बस बिट्टी एक प्लेस है जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है नवोदय 11 के भी, यहाँ से नवोदय को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11 के भी। उसके बाद आपका लास्ट चलते हैं, ये है हमारा बीना, पहले हम यहाँ से बीना को भी देते थे लाइन 11 के भी बट वहाँ एक नया इंडोर पावर सब स्टेशन बन चुका है, इसलिए वहाँ का वहीं से चला जाता है, इसलिए हम यहाँ से उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा है लास्ट फीडर्स, ये है सिसोनी 11 के भी सिसोनी, यहाँ से सिसोनी में जाता है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं, डायरेक्ट फीडर लगा देने से हम मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके लिए भी आगे प्रोटेक्शन चाहिए हमको, क्योंकि आगे भी हमारा गैंट्रिंग पोल आउटपुट का है। इसके बाद 8 नंबर, जैसा कि आप देखें यहाँ से तो हम फीडर में लाइट दे दिए 11 के भी, उसके बाद भी तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे फॉल्ट आ गया कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट पूरा पावर स्टेशन जल सकता है हमारा। इसके लिए फिर से यहाँ पे करंट में जिस तरह 33 के भी में हम करंट मेजर करते थे उसी तरह यहाँ 11 के भी में हम करंट में उसके लिए हम सीटी का यूज करते हैं। अब सीटी से आगे कनेक्ट है आइसोलेटर, आइए हम आपको दिखाते हैं, ये रहा आइसोलेटर हमारा, ये स्विच अभी तो डिसकनेक्ट है क्योंकि यहाँ लाइट जाती नहीं है बट ये हमारा आइसोलेटर है, ये भी स्विच का ही काम करता है, हो सकता है इस गैंट्रिंग पोल में फॉल्ट आ गया या इधर हमको वर्क करना है तो यहाँ से हम इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा आइसोलेटर का हैंडल, इससे हम इसको ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। उसके बाद चलिए ये है हमारा मीटरिंग डिवाइस जो मेजर करता है करेंट को और वोल्टेज को। उसके बाद ये हमारा आउटपुट गैंट्रिंग पोल, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11 के भी जो पूरे फीडर्स को जाता है हमारे पूरे सुपौल में।
जैसे कि अभी सब स्टेशन में जितने भी डिवाइसेस लगी है सारे पर हम तीनों ने इधर वंदना जी और नीरज जी तीनों मिलकर डिस्क्राइब किए हैं, और उसके बाद जो आप यहाँ का लेआउट देखे हैं देन अभी आप पीछे देख पा रहे होंगे वीडियो में, दिखाइए जो है वहाँ पे वो कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम में कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है कंट्रोल रूम में जाकर हम देखेंगे। सो यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ समझने में किसी पोल के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद चलते हैं कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से कैसे यहाँ को वहाँ बैठे बैठे ऑपरेट करेंगे। जैसे कि इस सुपौल सब स्टेशन के जितने भी हैं डिवाइस लेआउट को हम बता दिए हैं, एक एक के बारे में डिस्क्राइब भी कर दिए। कंट्रोल रूम में आप आइए कैसे ऑपरेट किया जाता है वो इस वीडियो में, अब नया पार्ट जो आएगा उसमें बताएंगे। जैसे कि अभी देखे होंगे वीडियो में यहाँ का लेआउट के बारे में सारा के सारा डिवाइस को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब एक्सटर्नल तो हो गया, अब इंटरनल ये कंट्रोल रूम जिसे कंट्रोल रूम से जाना जाता है, जो कि आज हमारे साथ विवेक सर हैं जो कि कंट्रोल रूम में कैसे कंट्रोल करेंगे इसको ऑपरेट करेंगे इस पर आप बताएँगे सर स्टेप बाय स्टेप, कितने पैनल हैं कितना के वी आर है सर एक्सप्लेन करेंगे। सर गुड आफ्टरनून, सर गुड आफ्टरनून, आइए यहाँ पर कमिंग पैनल, ठीक है यहाँ से ऑपरेट किया जाता है लाइन 33 का, ये हमारा हो गया स्विच जिससे हम ट्रिप क्लोज करते हैं, ठीक है ये हो गया मीटर, मीटर हो गया ठीक है, ये हो गया रिले। सर रिले का काम क्या होता है? रिले का काम होता है या कहीं फॉल्ट उल्ट होता है तो रिले गिर जाता, रिले गिर जाता तो लाइन बंद हो जाता, ब्रेकर ऑफ हो जाता, ठीक है उसके बाद आप यहाँ से इसको रीसेट कीजिए, रिले को उठाइए तब लाइन चालू होगा, तब उसको लाइन को ऑपरेट कर पाइएगा। ब्रेकर अगर रिले गिरा हुआ रहेगा तो लाइन ऑपरेट नहीं होगा, चालू नहीं हो पाएगा लाइन, ठीक है। बाकी ये मेरा दोनों 33 का बंद है अभी, ठीक है वो है 11 KV का पैनल, 33 को डिस्ट्रीब्यूट होकर 11 KV में जो तोड़ते हैं जो ट्रांसफॉर्मर के पास, ये वो है ग्रुप फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का, सेकेंड का ये थर्ड का ये जी 11 के यहाँ से जो देख रहे हैं बाहर में पैनल वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से पहले ट्रांसफॉर्मर से जो VCB है उन्हीं का है ये। सर थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए फॉल्ट जब आता है ना लाइन में, जब लाइन में जब फॉल्ट आता है तो इस समय से अलार्म जलने लगेगा, मतलब जो भी फॉल्ट आएगा वो जलेगा, फॉल्ट इंडिकेशन, हाँ जो भी जैसे अर्थ फॉल्ट आया कुछ भी, जबकि कभी कभी ट्रांसफॉर्मर हीट भी हो जाता है बहुत ज्यादा 60 या 65 पे जाते जाते हीट हो जाता है, तो उसके लिए भी इंडिकेशन है। उसके लिए सर कौन सा जलेगा सर इसमें? यहाँ से ट्रांसफॉर्मर ट्रबल ट्रिप ये जलना शुरू हो जाएगा। अब फॉल्ट उल्ट के फॉल्ट हो कोई भी फॉल्ट होगा तो ये चारों जलेगा, हमेशा ये चारों जलेगा, हाँ ये चारों ओवर के नर चारों जलने लगता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सर वेल टेम्परेचर हाई अलर्ट, वहाँ अगर टेम्परेचर हाई होगा ऑलरेडी जलने लगेगा, और आपको हॉर्न भी इसका जलेगा आवाज करेगा। सच मायने में अगर इससे देखा जाए तो इंडिकेशन है जितना भी इसके अंदर इधर आएगा यहाँ पर इंडिकेशन जलेगा, साथ साथ इसके अंदर हुटर लगा हुआ हुटर आवाज करेगा, हुटर के साथ आपको मतलब हाँ सुनाई पड़ेगा। अगर ऐसे अगर इंडिकेशन जलेगा हम बैठेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, हुटर इसका बजता है, हुटर बजेगा तो काम होगा। थैंक यू सर। इधर का थोड़ा तो यही जो देख रहे हो गया, इसके बाद ये आ जाए 11 KV का ग्रुप में, ठीक है हाँ वो 33 का था, ये 11 KV का है, ये 11 KV सी भी 11 KV का सभी ट्रांसफॉर्मर के आगे में जो है, ठीक है उनका ये है ग्रुप 11 KV का, मतलब वहाँ जो लेआउट में VCB है हाँ सर्किट ब्रेकर वहाँ का ये कंट्रोलिंग है, मतलब वहाँ जो है यहाँ से ऑपरेट आप कर सकते हैं। हाँ तीनों का देखिए, तीनों ट्रांसफॉर्मर का तीनों का है ब्रेकर वहाँ पे बाहर में, तीनों का देखिए यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है इस ग्रुप को ना हम दो दो तीन 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 फीडर में तोड़ दिए हैं, ग्रुप को ग्रुप बनाए इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट लाइन करने के लिए हम तीन फीडर में इसको तोड़ा है इस ग्रुप को। यस सर, प्रत्येक ट्रांसफार्मर का सर रेटिंग कितना है? जैसे कि सर ग्रुप वन का सर रेटिंग कितना है? पावर इसका देखिए, इसका जो है ना ट्रांसफार्मर का
10 MVA का जो होता है ना जो है ना, आप इसको 80% यूज कर सकते हैं, कभी भी 100% नहीं करना है। तो 500 जो है ना 500 एम्पियर तक इसको रखा जाता है, 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 500 से कम ही रहना चाहिए 10 MVA का। हाँ, तो इसमें जो 3 फीडर दिया हुआ है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि तीनों उससे से इतना एम्पियर से ऊपर ना हो जाए, ठीक है। हम लोग एम्पियर लिखते हैं हर एक घंटा, इसलिए लिखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर के साथ साथ सब कुछ पता चलता रहे कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा। हाँ, इसमें भी सारा इंडिकेशन है, देख रहे हैं इसका बंद नहीं हो रहा। ये सब के बारे में थोड़ा सा बात तो हो जाए। इसको 3 डिवाइस में तोड़ा गया है, इसको EB11KV का ही है, सेकंड ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। इसको 2 में तोड़ा गया है, ग्रुप 1 का, टाउन 2 कलेक्टर, टाउन 1 में, ये तीनों का एम्पियर हमको तीनों मीटर में शो करता। आपको अभी बता रहे कि 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ट्रांस, बिल्कुल सर 80% यूज होना चाहिए। हम इसलिए वो लगाया जाता है उसे, यहाँ से कम दिखाता रहे हर एक घंटा कितना ले रहा है एम्पियर, मतलब कितना यूज हो रहा है उसमें रेटिंग। हाँ, आपको बता, हर एक घंटा हमको लेना पड़ता है उसके लिए। ये सर, इसके बाद ये तीनों उसका हो गया, ये सर बीच वाले का, ये दोनों बीच वाले का, ये सिर्फ बसमिटी चलता है, बसमिटी अभी 500 पे ओवरलोड हो गया था, 500 पे, हाँ 500 से ऊपर जा रहा था इसका जो जा रहा था, तो इसके लिए क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आधार तोड़ दिया, जिसे ट्रांसफार्मर का उतना ही यूज हो जितना यूज होना चाहिए, ठीक है। इसको सिंगल ट्रांसफार्मर लगा है उतना ही, हाँ बीच वाले ट्रांसफार्मर सिंगल चाहिए, ये सर। उसके बाद लास्ट वाले ट्रांसफार्मर 5 MVA पे, ये दोनों फीडर, ये 5 MVA, हाँ 5 MVA सबसे लास्ट वाले पर, ये दोनों है, मतलब हाँ नवोदय बिना बंद, ये बिना, ये सिसोनी बिना बंद है, बिना नवोदय और सिसोनी, ये सर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जानते हैं, उसे ही ऑपरेट करना, जैसे 33 को ऑपरेट करना, सब कुछ सारा इरर सब इसमें शो करेगा, ये सर जो भी इरर है इसमें शो करेगा अपना, जो भी इरर है उसके बाद आप उसका सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम है। अब कभी भी लाइन थोड़ा सा भी कहीं भी फॉल्ट आता है तो सबसे पहले रिले जो है मास्टर ट्रिप कर जाता है। और कभी अगर इससे ज़्यादा फॉल्ट का ट्रांसफॉर्मर रहता है, इनके साथ साथ ग्रुप को भी लेके बैठ जाता है, दोनों का रिले गिर जाता है, तब दोनों का जो रिले ट्रिप, दोनों ट्रिप हो जाता है, हाँ दोनों हो जाता है। वो डिपेंड करता है कितना तेज आया है, कितना तेज फॉल्ट आया, इस पर डिपेंड करता है। जैसा जैसा फॉल्ट रहेगा क्लियर दिखाई देगा आपको। जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देखे होंगे, बाहर के जो भी लेआउट में जो भी डिवाइसेस थी उनको बेसिकली कंट्रोल रूम का मतलब ये होता है, जैसे कि सर बता रहे थे वहाँ पे VCB जो लगा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसी सब के यहाँ पर डिवाइस लगा गया है, ये सर उसी को मतलब यहाँ से भी ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि कोई भी इरर आ जाए, सबसे पहले जैसे सर अभी बताए रिले के बारे में, ये ट्रिप हो जाते हैं, मतलब बेसिकली जो कंट्रोल रूम होता है, जो एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस लगा रहता है उसको बैठे बैठे यहाँ से ऑपरेट करेंगे, ये सर। सर बताने के लिए सर दिल से थैंक यू, पूरा थैंक यू सर।